तो सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं प्रसाद, और यहीं बस मंदिर के सामने ही दुकान लगी हुई है प्रसाद लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी दुकान लगी हुई है, बस जस्ट सामने ही लगे हैं बहुत सारी। तो आप प्रसाद लेके चलते हैं ऊपर। और ये जो घर दिख रहा है ना, ये जो है घर धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर है, और यहीं पे से दरबार लगता है उनका। तो सबसे पहले हम चलते हैं बालाजी के दर्शन करने को, तो वहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा पहले हमको। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं अपन दर्शन करने। यहीं से चलते हैं अपन ऊपर, ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी सी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो आज जो है, आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, आज हमको दर्शन करने को अच्छे से मिल जाएंगे। और कल है मंगलवार, तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अभी हम लोग यहाँ से लाइन में लग के ही जाएंगे, फिर भी काफ़ी लोग हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी लाइन पे लगे हुए हैं, यहाँ वीडियो बनाने तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है गाइस। वीडियो हम थोड़ी फोन छुपा छुपा के ही बना रहे हैं, जितना हो सकता है हम आपको दिखा के ही रहेंगे। ये है हमारे बालाजी जी। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं मंदिर का पूरा सीन। ये हमारा बालाजी का मंदिर है, और उसी के जस्ट सामने एक और मंदिर है। और यहाँ पे से नीचे से देखिए ये सब है, जैसा लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आज यहाँ से लोग आए हैं। और यहाँ पे जस्ट सामने एक ये मंदिर है, बालाजी के सामने मंदिर एक और है, ये बालाजी का मंदिर है, एंड जस्ट सामने एक और मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहीं पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए शादी चलती हुई है, वो लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं, जस्ट अभी आए हैं लोग शादी हुई है। और यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं ना, जो बैठे हैं, तो ये लोग जो है यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कुछ लोग। और यहाँ पे सभी लोग बैठ के ही अपना अपना वो कर रहे हैं। तो हम भी यहीं पे थोड़ी देर बैठते हैं, और यहीं पे थोड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। अब चलते हैं अपन नीचे, दर्शन वर्शन सब कुछ हो चुके हैं अपने, तो अब चलते हैं नीचे, और नीचे का आपको दिखाएंगे। और ये जो है ना, देख रहे हैं आप नारियल, ये सब जो लोग हैं अर्जी लगाते हैं यहाँ पे, अपने नारियल को वहाँ से ला के यहाँ पर बांध देते हैं, जैसे हम भी लाए कुछ लोग, जितने लोग भी लाते हैं। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर है ये। अब मैं जा रहा हूँ भाई परिक्रमा लगाने, यहाँ पे एक केस राम लगाने भाई साहब परिक्रमा है, इतनी धूप है, और सभी लोग यहाँ पे एक केस राम लगाएंगे परिक्रमा में, तो हम भी यहाँ के एक कैश राउंड लगाएंगे। और यहाँ पे जो है परिक्रमा के लिए बहुत ही बड़ा है। और परिक्रमा का लगाने के लिए यहाँ पे और बहुत बड़ा ग्राउंड लगाना पड़ता है, एक ग्राउंड। और जो ये जो घर है ना, यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के जो गेट दिख रहा है ना, वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठते हैं, और उसी के जस्ट सामने यहाँ पे लोग पब्लिक बैठती है उन्हीं के सामने। तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी तो है नहीं, तो अभी वो जो गेट है बंद है। फिर भी हम ये देखिए इतनी धूप में भाई साहब, ये देखिए कैसा।
आप देख सकते हैं एक कैस राउंड, ये लोग भी एक कैस राउंड ही लगाएंगे इतनी धूप में। भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। हम तो थक गए इसलिए हम खड़े हो गए थोड़ी भाई छाया पे, अब फिर से चल पड़े। एक कैस राउंड कंप्लीट करना है हमको भी, हम भी थक थक रुक रुक के ही जाएंगे। एक ग्राउंड और बाकी है मेरे भी, और तो फिर मिलते हैं आपको फिर इसके आगे परिक्रमा के आगे पूरी डिटेल दूंगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था मिलने वाली है रुकने की रहने की, और आप आते हैं तो आपको यहाँ रहने के लिए क्या क्या व्यवस्था मिल जाएगी तो आपको मैं ये बता दूँगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे आपको रहने की जो व्यवस्था फुल मिल जाएगी, आपको रहने के लिए कोई टेंशन नहीं है, और भंडारा तो यहाँ पे चलते ही डेली, और यदि आप भंडारा में नहीं खाना तो यहाँ पे आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। और जैसे ये देख रहे हैं आप इतने सारे जो रूम ये घर टाइप में बने, यहाँ रहते भी हैं लोग, और ये दुकान है अभी ओपन नहीं हुई है, और अभी बजा हुआ 5:30 और पब्लिक यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है, और अभी थोड़ी देर से आरती होगी तो आरती पे हम जा सकें तो आपको ले जा के ही रहेंगे। वैसे यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है अंदर तक, तो यदि हम जाएंगे तो आप जो आरती या आरती में लेकर जाएंगे तो आप वीडियो के एंड जरूर बन रही है, और आपको लास्ट तक आपको पूरा बताने वाला हूँ यहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ पर दुकान से बहुत सारी हैं और रुकने के लिए फुल व्यवस्था है, और मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, और मैंने सुबह 6 बजे चलाया था और 12 बजे पहुँचा हूँ यहाँ का। जो बाइक से आया था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन थक चुके हैं बस बट थोड़ी सा, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। 6 बजे से आए थे, 12 बजे पहुँचे हैं, तो यहाँ रहने के लिए तो कोई टेंशन नहीं, रहने की फुल व्यवस्था मिल जाएगी आपको। मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ी बात, यहाँ पर दिनेश शास्त्री जी नहीं है, वो जो अभी यहाँ पर नहीं है नहीं है, और जहाँ भागवत चल रहा है वो वहाँ पर है। तो आज है सोमवार और कल है मंगलवार, तो अभी हम लोग आज नाइट यहीं रुकने वाले हैं। आज नाइट का हम एक्सपीरियंस आपको देख ही रहेंगे यहाँ पे कितना अच्छा लगता है, और रात में हम रुकेंगे कहाँ पर, यहाँ पे नहीं हो जहाँ भागवत चल रहा है दिनेश शास्त्री जी वहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर दिनेश शास्त्री जी नहीं है, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगती है, और यहाँ पर लोग हैं आते जा रहे हैं परिक्रमा की, क्या साउंड की इतनी ज़्यादा है भाई, इतने सारे लोग लगा रहे हैं तो देख ही रहे हैं आप, ऐसा लेट लेट के जा रहे हैं। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपकी जल्दी पहुँचे, और अभी पूरी डिटेल्स दूंगा आपको, बने रहिए चैनल। हाँ, मैं आपको उसी दिनेश शास्त्री के जो घर है वहीं उसी के अंदर आपको लेकर चलता हूँ, और अंदर आप देख लीजिए यहीं पे अंदर का नज़ारा देखिए कैसा है, और यहाँ पे है क्या देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे भी वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, मना कर रहा है, मैं अभी फिर भी दिखाऊँगा। और ये जो देख सकते हैं आप लोग, और ये जो गद्दी देख रही है आपको, यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठते हैं, और ये जो गेट दिखाया था ना आपने, ये गेट ओपन हो जाता है उसी के जस्ट सामने, यहीं पर बैठ जाते हैं। और ये गदा देखिए, भगवान जी का गदा, और ये जो गद्दी देख रही है यहीं जस्ट सामने बैठते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो अब जो है अब हम आ गए अपने रूम पर जहाँ हमने लिया था, अब यहाँ पर थोड़ी हाथ पैर धुलेंगे और जाएंगे फिर आरती में। अभी जो आरती हो गई, अब जो हम लोग आ गए हैं आरती पे, अब यहाँ पर थोड़ी देर से ही आरती होने वाली है यहाँ पे, तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुई फिर भी लोग आने लगे हैं यहाँ पे आरती के लिए, बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी है, ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। अभी हम लोग भी जा ही रहे हैं आरती के लिए, ये जो पेड़ देख रहे हैं आपको पता ही होगा ये पेड़ कौन सा, इस पेड़ में क्या है, अब हम लोग जा रहे हैं आरती हो गई है, अब नीचे जाएंगे। अब यहाँ के भीड़ देखें, भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना यहाँ पे,
लोग इतनी पब्लिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही है, ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा ही पब्लिक है। अभी भी कुछ लोग परिक्रमा लगा रहे हैं रात को भी। अब यहाँ पे जो है प्रसाद लेने के लिए जाएंगे, जो है प्रसाद लेने के लिए ऐसी लाइन लगानी पड़ती है, मेल के अलग फीमेल के लिए अलग लाइन लगानी पड़ती है। तो यहाँ से जो धीरेन्द्र सर जी जहाँ बैठते हैं वहीं पर जाते हैं गेट से, एक एक से सभी लोग प्रसाद लेंगे वहाँ से। प्रसाद में पता क्या मिलता है, भभूति मिलती है, उसका भी टाइमिंग होती है। और यहाँ पर सभी लोग एक एक से जा रहे हैं, लेडीज़ की लाइन अलग से लगी हुई है, वो भी एक से जा रहे हैं सभी लोग। वहाँ अंदर वीडियो अलाउ नहीं है बनाना, इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आपको, अंदर वीडियो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है वहाँ फोन में। आपको जितना दिख रहा है देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है भंडारा खा रहे हैं सभी लोग, और वहाँ पे देखिए कुछ लोग वहाँ पे सभी लोग लाइन लगा के ही आ रहे हैं, और यहाँ पे भी लाइन लगी, यहाँ से प्लेट लेकर जा रहे हैं, आपको देख रही होगी प्लेट, यहाँ से प्लेट लेके जाएंगे और वहाँ पे लाइन लगा के, और जब ये लोग खा लेंगे उठ जाएंगे फिर वो लोग बैठेंगे। यहाँ पर बिठा के सभी लोग खवाया जा रहा है, खाने की व्यवस्था यहाँ पर अच्छे से, भंडारा की प्रसाद की व्यवस्था अच्छे से की गई है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रसाद सभी लोग खाने आ रहे हैं। वहाँ पर लेडीज़ लोग भी लाइन लगाई हुई हैं, एंड यहाँ पर जेंट्स लोग, ये देखिए लेडीज़ की लाइन साइड लगी है एंड जेंट्स लोग वहाँ से, तो यहाँ सभी लोग प्रसाद अच्छे से खा रहे हैं, प्रसाद सभी को यहाँ पर दिया जा रहा है अच्छे से। और वहाँ से प्लेट लाने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पर लाइन से आना है, और यहाँ पे सभी लोग को प्रसाद दिया जा रहा है, लगे हुए हैं कुछ लोग यहाँ पे, वो लोग प्रसाद देते जा रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग लाइन से ही आ रहे हैं, एक ही लाइन पे सभी लोगों को आराम से मिलता जा रहा है प्रसाद। यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है अभी तो, और वहाँ से लेडीज लोग अलग से आ रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोगों को ऐसा प्रसाद दिखाया बांटा जा रहा है, प्रसाद सभी लोगों को अच्छे से दिया जा रहा है, देख सकते हैं तो सभी लोग बैठ के ही खा रहे हैं। और वहाँ पे लेडीज लोग वहाँ से आते जा रही हैं, और यहाँ से एग्जिट का रास्ता है, एग्जिट होंगे यहाँ से और वहाँ प्लेट वॉश करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है प्रसाद के लिए, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे अभी, तो जितने भी भक्त लोग हैं यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, यहाँ लाइन लगी हुई है। और अब मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे जहाँ पे भंडारा बन रहा है, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे भंडारा बन रहा है इतने बड़े बड़े बर्तनों पे, अभी भी बनता ही जा रहा है, और यहाँ पे प्रसाद गरम गरम बनता है और देते जा रहे हैं।